सबसे पहले पुष्पेन जी, मेरा सवाल आपसे है, आखिर आप लोग क्यों राजनीति करने को उतर रहे हैं? क्यों सरकार को हराने के लिए बात कर रहे हैं? क्यों बीजेपी को हराने की बातें कर रहे हैं आप? देखिए आशुतोष जी, जब कोई निष्ठुर सरकार और एक किसान जैसे बड़े वर्ग के सामने जो शांतिपूर्ण तरीके से लगभग 100 दिन से दिल्ली घेरे बैठे हुए हैं, 250 के आसपास किसान भाइयों की शहादत हो गई है, 1.5 महीने से वार्ता नहीं हुई है और कोई सुनवाई इस सरकार में नहीं हो रही है, इनकी कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है, तो इसमें लोकतंत्र में हमारे पास और अगला हथियार क्या है? जो सामने वाला संवेदनशील हो या शर्म करने वाला हो, जिसकी आंखों में शर्म कहते हैं, वो 250 आदमी मरने के बाद भी उसके मुंह से एक आह तक ना निकले, तो उसको जगाने के लिए, उसको उसकी हैसियत या औकात दिखाने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि मालिक हम हैं, यानी जनता मालिक है, आप केवल जो है 5 साल के लिए वहां किराएदार हो, हम मकान मालिक हैं, आपको 50 साल के लिए नहीं बैठाया गया था, आपके कुछ कर्तव्य हैं और आप ये माने बैठे हैं कि 300 सीटें मिल गई हैं, सीलबंद लिफाफे में मिल गई हैं, अब 5 साल तक हमें कोई किसी की परवाह नहीं है, हम जो मर्जी आए करें। ये चीज जो है सरकार को जगाने का काम हम करेंगे। और राजनीतिक व्यक्ति आशुतोष जी सबसे ज्यादा जो डरता है वो वोट घटने से डरता है या वोट बढ़ने से वो प्रभावित होता है, उसके निर्णय दो ही चीजों से प्रभावित होते हैं, जो वोट घटाए या जो वोट बढ़ाए, उन दोनों के चरणों में जाकर के वो बैठ जाता है। तो जब इनको लगेगा कि ये वोट की चोट से हमारा संहार कर देंगे, जब रावण का अंत किसी और तरीके से नहीं हुआ तो उसकी नाभि के ऊपर जो है वार करना पड़ा, रावण की नाभि वोट है लोकतंत्र में, वोट की चोट से इनको जब हम समाप्त करेंगे, इनको पता लग जाएगा 100 करोड़ किसान मजदूर इस देश में है और ये प्रसन्न नहीं है आपसे। और मैं आपको एक छोटी सी स्टैटिस्टिक से एक लाइन में बता दूं, पिछले आम चुनाव 2019 में कुल वोट 90 करोड़ थी, उसमें से लगभग 60 करोड़ वोट पड़ी, उसमें से बीजेपी को केवल 23 करोड़ वोट मिली, जो लगभग जो है 37% थी, और सेफोलॉजिस्ट बताते हैं कि यदि 7-8-10% वोट भी घट जाए तो अच्छे अच्छे 150-200 सीटें कम हो जाती हैं, तो वोट की चोट से ही ये मानेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और यही हम अब आगे आने वाले तमाम चुनावों में करने जा रहे हैं। यानी अब आपने आंदोलन की जगह अब राजनीति करनी शुरू कर दी पुष्पेन जी। देखिए ये राजनीति नहीं है, ये राजनीतिज्ञ को जगाने की नीति है, यानी कि ये जागेंगे ही नहीं जब तक। आपको मैं बता दूं कि जनता सर्वोपरि है और अगर ये नहीं सुनेंगे तो इनकी गद्दी भी जा सकती है। इसके विषय में मैं जो है 4 लाइनें आपके लिए जो रामधारी सिंह दिनकर जी है उनकी ओर पढ़ाऊंगा। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, फावड़े और हल राज दंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब ये बात इनके कानों में आपके कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचेगी और अनेक चुनाव में इनका सामना वोट से होगा, वोट की चोट से होगा, तो अच्छे अच्छे घुटनों पे आ गए, ये तो क्या चीज है। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या आप पुष्पेन जी की राय से सहमत है, किसानों के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है? विनोद जी, पुष्पेंद्र जी जो बात कह रहे हैं, यही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले जब ये शो शुरू होने से पहले किसान नेता से बात कर रहा था, चौधरी हरपाल सिंह बिलारी से, उनका कहना था कि हम पश्चिम बंगाल तो जा ही रहे हैं, हम आसाम भी जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो भाजपा सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है और आसाम में तो उसकी सरकार है, तो हम वहां भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों ने एक चीज तय कर ली है, जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं, तो वो तय कर ली है कि अब शायद उनके पास सरकार पर दबाव डालने का एकमात्र रास्ता यही है कि सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी को, ये महसूस हो कि किसानों के आंदोलन से उसके वोट समर्थन में, जन समर्थन में कमी आएगी और उसका जो है असर 2021 के चुनावों में और 2022 के चुनावों में और उसके बाद 2024 के चुनावों में भी पड़ सकता है अगर किसानों के मसले हल नहीं किए गए। और देखिए आशुतोष जी, हमेशा जब आंदोलन शुरू होते हैं तो गैर राजनीतिक मुद्दों से होते हैं। मैं फिर इतिहास में जाऊंगा कि जयप्रकाश आंदोलन जो इस देश में राष्ट्रीय आंदोलन बना, वो गुजरात में छात्रों के मुद्दे शुरू हुआ था, फिर वो मेस का वो बिल बढ़ने से, और उसके बाद वो बिहार तक पहुंचा,
फिर जयप्रकाश जी जो राजनीति छोड़ करके सर्वोदय हो चुके थे और राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको सारे लोग लेकर के आए कि आप आगे चलिए, और जयप्रकाश जी के आते ही सारा विपक्ष उसमें जुटा और उसके बाद पूरी एक आह्वान किया गया कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, यानी इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंकना है। एक तरह से वो अराजनीतिक आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन बदल गया। तो हमेशा जो है जब किसी बड़े मुद्दे पर कोई आंदोलन होता है तो अगर समय पर उसका निराकरण नहीं हुआ तो धीरे धीरे उसकी परिणति राजनीतिक आंदोलन की तरफ ही होती है। अन्ना आंदोलन भी गवाह है, आम आदमी पार्टी उसी के गर्भ से निकाली, पूरी पार्टी ही बन गई, उससे जो है राजनीतिक दल बन गया। तो कोई भी आंदोलन लंबे समय तक चलता है तो अराजनीतिक नहीं रह सकता, उसको राजनीतिक धार अपने अंदर लानी ही होगी, और मुझे लगता है किसान आंदोलन शायद अब उस पड़ाव पर पहुंच रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।